हाय एवरीवन एंड वेलकम यू अनदर वीडियो। और आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, आज मैं आपको जो है लिथियम आयन बैटरी जो है कैसे बनाया जाता है घर पे, खुद से आप कैसे बना सकते हैं। सो आप लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपके पास जो है सेल होना बहुत ज़रूरी है। आप जो है इस बैटरी से भी जो है इस वाले सेल से भी जो है बैटरी बना सकते हो, ठीक है। ये जो है 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन सेल है। सो इससे जब भी बैटरी बनेगा तो आप जो है इसको जो है छोटे वर्क के लिए, जो छोटा मोटा वर्क के लिए आप पर्पज़ से बना सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए। बट जब बात हो बड़ा बैटरी के लिए, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह में काम करने के लिए, सो आपको लेना पड़ेगा जो है 3.2 वोल्ट का लिथियम आयन फॉस्फेट सेल। तो मेरे पास लिथियम आयन फॉस्फेट सेल नहीं है, सो मेरे पास ये जो है 3.7 वोल्ट का बैटरी है। और ये जो सेल है ये है एक्चुअल में हमारे पास जो है 3.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। और ये जो एक सेल है इसका जो कैपेसिटी है 70 एम्पियर का एक सेल है। और इसको जो है मैक्सिमम चार्ज हम लोग जो है कर सकते हैं, फुल चार्ज जो है आप 4 वोल्ट तक कर सकते हो, और मिनिमम जो डिस्चार्ज है सेल वोल्टेज का वो है 3 वोल्ट तक। सो इसका जो है नॉर्मल वोल्टेज जो है वो होता है 3.5 होता है। सो इसके चलते जो है आप इसको मैक्सिमम 4 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हो और 3 वोल्ट तक जो है डिस्चार्ज कर सकते हो। सो इसको हमने जो है इस तरीके से जो है सीरीज साइड चार्ज, 4 सेल का जो है सीरीज किया है, ठीक है। यहाँ पर 3 ग्रुप हमने बनाया है और तीनों को आपस में जो है पैरेलल कर दिया है। तो नेगेटिव को यहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हमारा नेगेटिव एक हो गया, और पॉजिटिव जो है पॉजिटिव यहाँ से आते हुए हमारा एक हो गया। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो इसका नॉर्मल जो वोल्टेज होता है वो होता है 14 वोल्ट, और हम इसे जो है मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं 16 वोल्ट तक। लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो हम जो है इसको 15.80 वोल्ट तक ही जो है चार्ज करेंगे, उसके बाद एक कट ऑफ हो जाएगा। सो और मिनिमम जो डिस्चार्ज हम इसको 12 वोल्ट तक कर सकते हैं, बट जो है सेल का जो है अनबैलेंसिंग होने के चलते वोल्टेज जो है इसको हम जो है 12.5 वोल्ट तक ही जो है मिनिमम डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ये डायग्राम है कैसे जो है हमने इसको बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है कुल जो है 12 सेल यूज़ में लिया है, ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12, और इनको आपस में जो है सीरीज और पैरेलल करके कनेक्शन किया है। सो जिसके चलते जो है ये जो हमारा जो 14 जो बैटरी है, सॉरी ये जो हमारा जो 12 बैटरी है, इसका जो कैपेसिटी हो जाता है अप्रॉक्स जो है ये 200 एम्पियर के आसपास जो है इसका कैपेसिटी बनता है इस बैटरी का। सो ये जो बैटरी है ये ख़राब बैटरी है, ठीक है, ये पुराना सेल है इसमें। और इसका जो है फ़िलहाल अभी जो है 50% जो है इसका कैपेसिटी है, 50 to 70% 60% जो है इसका सेल का जो अंदर का जो सेल है, यानी जो सेल है इसका कैपेसिटी है। सो हिसाब से जो है अप्रॉक्स ये जो बैटरी पैक जो बनाया हमने यह बनाया है, इसका जो टोटल जो एम्पियर है वो हमें निकला है अप्रॉक्स 130 एम्पियर के आसपास हमें जो है इसने बैकअप दिया है, एएच का निकला है, 130 एएच का ये हमें निकला है। सो यहाँ पे हमने जो है इस वाले ग्रुप के थ्रू हमने इसको बनाया है, ठीक है, आप मिला सकते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर जो है पॉजिटिव है ये वाला पूरा, ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये पूरा एरिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और इसको जो है हमने सीरीज किया, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव, और सभी सेलों को जो है हमने पैरेलल किया है। देखिए यहाँ से ये पैरेलल हो गया, ये सेल से पैरेलल हो गया, यहाँ से हमने एक वायर लिया और उसको ये से, तो जो सभी सेल हैं वो आपस में जो है सीरीज के साथ साथ पैरेलल भी जो है हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा यह जम्फर यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद, और इसको हमने जो है यहाँ से जो है एक MCB हमने ऐड किया है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, इन द केस कभी हमें जो है कुछ काम करना हो तो शॉर्ट होने के चलते हम यहाँ पर MCB को बंद कर देंगे, बन चल यहाँ कर सकते हैं। और ये कभी अगर शॉर्ट भी होता है कुछ तो MCB हमारा ट्रिप करेगा। सो यहाँ पे हमने जो है लिख दिया है इस पर मैक्सिमम चार्ज 15.80 वोल्ट और मिनिमम डिस्चार्ज 12.50 वोल्ट, जो इच सेल का वोल्टेज है 3.5 है। सो ये जो बैटरी है दोस्तों, यह 48 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
नॉर्मल वोल्टेज जो 56 वोल्ट। सो ये जो है 3.7 किलोवाट का बैटरी था, तो ये कबाड़े से बैटरी लिया हमने। और इसको जो है हमने इसमें एक्चुअल में जो है 14 सेल्स लगे हुए थे, ठीक है। दो सेल्स जो है हमने डिफेक्टिव था, तो इसको हमने हटा दिया है। ये वो सेल्स है, ठीक है। ये जो है इधर से ये फट चुका है ओवर चार्ज होने के चलते। तो बाकी जो 12 सेल्स हैं वो अच्छे हैं, तो हमने इसको कंप्लीट जो है बैटरी पैक बना दिया। और ये जो दोस्तों ये 12 वोल्ट का बैटरी नहीं है, ये हमारा नॉर्मल जो है 14 वोल्ट का बैटरी है। सो हम इसे जो है 16 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए जो है इसका कोई और इन्वर्टर में सेट नहीं होगा बैटरी। तो इसके चलते हमने जो है एक अलग से इन्वर्टर बनाया है। ये जो इन्वर्टर है आप देखिए, इसको हमने जो है यहाँ से कनेक्ट किया है वायर के थ्रू। यहाँ पे देखिए, इसको हमने इससे कनेक्ट किया है, और ये जो है बहुत अच्छा बैकअप देता है। और इसके अंदर जो हमने कार्ड इस्तेमाल किया है वो लॉन्ग बोर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉन्ग बोर्ड में क्या है कि इसमें जो है आप मैक्सिमम जो है मनचाहा जो है करंट ले सकते हैं चार्ज करने के लिए। और आप मैक्सिमम जो है इसको 17 वोल्ट तक भी जो है चार्ज कर सकते हैं, 17 वोल्ट तक जो है बैटरी को ले जा सकता है। और जो है आप इसमें जो है लो बैटरी भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो बैटरी भी आप इसे सेट कर सकते हैं। जितना चाहते 13 वोल्ट पे करना चाहते हैं 13 वोल्ट पे भी ये लो बैटरी कर देगा। सो जिसके चलते ये जो कार्ड है वो बिल्कुल ये जो है इस बैटरी के साथ जो है 3.7 वोल्ट पे जो है सपोर्ट करेगा। सो आप ये भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह का भी बैटरी मैं यूज में ले सकता हूँ, क्योंकि ये भी जो है दोस्तों 3. जो है आपका 7 वोल्ट का बैटरी है। तो इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग जो जाता है जो होता है 4.2। सो ये भी बैटरी जो है चल सकता है, ठीक है। इसका जो बैटरी पैक बनेगा, अगर चार सेल का अगर हम सीरीज करके बनाएंगे, तो जो बैटरी पैक बनेगा वो हमारा बनेगा 16.8 वोल्ट का बैटरी बनेगा। सो हमने जो है इसको इस्तेमाल किया है इस वाले सेल को। तो आई होप आप जो है अपने बैटरी पैक बनाना चाहते हैं लिथियम बैटरी पैक, तो आप बना सकते हो। और इसका जो बैटरी है जो, तो इसका ढक्कन भी है यहाँ पे। आप देखिए ढक्कन हम ऐसे ऐसे तरीके से इसको लगा देंगे। सो बहुत ही अच्छा है बैटरी है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता है लिथियम आयन बैटरी में, बशर्ते आप उसको जो है अच्छा से चार्ज और डिस्चार्ज कीजिए, सो बैटरी आपका चलेगा। तो इसमें हमने जो है BMS नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो कार्ड है इन्वर्टर में हमने जो है ऑलरेडी सेट कर दिया है चार्जिंग हाई और कट एवरीथिंग हमने जो इसमें सेट कर दिया है बैटरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है आपने आपको दिखा दिया कनेक्शन, तो यहाँ से जो है नेगेटिव है, ये अंदर से वायर गया है, वायर होते हुए MCB में जाकर MCB से यहाँ पर आउट हो गया। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा बैटरी के रिगार्डिंग, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई दें।